हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया आपको दिखाएंगे, बने रहो ब्लॉग में। गाइस, हमारे लिए कुछ थोड़ा सा इक्विपमेंट मंगाए थे हम लोग ने ब्लॉगिंग के लिए, तो चलो लेके आते हैं। हो गया प्रॉब्लम, हमारा एक प्रोडक्ट आया पर पैसा तीनों का जा रहा है, इसलिए हम लोग ने लिया नहीं। चलो अब वापस आएगा। मुंह उदास हो गया इन भाई साहब का। तो भाई साहब लोग घूमते घूमते आज चुके उल्लास कमाई के पास आपको हम लोग चलते थे तब आगे आज थोड़ा सा लेकिन अभी चलते कुछ आगे और भी हमें जहाँ पे आना बस उसका मिल नहीं रहा फिलहाल, काफ़ी जगह घूम रहे अभी फिलहाल, आगे भी चलते हैं अगर वहाँ मिल रहा तो अच्छा रहेगा, तो हम जल्दी वीडियो बन जाएगा हमारा। आज फतेहपुर गाँव पहुँच चुके हैं, फतेहपुर गाँव के अंदर का बिल्डिंग है बन चुकी है, आपके गाँव वाली फीलिंग तो आई नहीं। आप यहाँ देख सकते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ पे स्टैचू है बदलापुर गांव में, काफ़ी बड़ी स्टैचू इधर, काफ़ी गार्डन भी है यहाँ पे और मैरिज हॉल भी यहाँ पर है बदलापुर गांव में, जहाँ पे आपको बहुत सारे तबेले मिल जाएंगे। अगर आपको दूध लेना है तो आ जाना नदी के उस पार, उल्लास नदी के उस पार। हम लोग आ चुके हैं कला केंद्र और चलो चलते हैं अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी माता जी की मूर्तियाँ हैं, छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ, काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि अंकल इतने अच्छे से माता जी को सजा रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके से, अभी तभी इतनी माता सुंदर दिखती है। और ये अंकल यहाँ पे माता जी को अच्छे से पेंट कर रहे हैं अलग अलग कलर से, आप फिर आप देख सकते हो अब इनका नीचे ले जितने मतलब पाँव के पास के अच्छे से पेंट कर रहे हैं, काफ़ी अलग अलग कलर से पेंट करता है। आप देख सकते हो कि माता की साड़ी ग्रीन कलर में है, उन्होंने ग्रीन कलर पेंट किया था और अभी फिलहाल काफ़ी काम बाकी है इस मूर्ति में, इन माता जी की मूर्ति में, तो अभी अंकल आराम से पेंट कर रहे हैं। जिसे देख सकते हैं कि आप लोग कि हम लोग अभी सभी मूर्तियां देख चुके हैं और ये सभी मूर्तियां सभी के घरों में जाएंगी, सभी सभी के घरों में मतलब सबको दर्शन देंगी। तो चलो घर चलते हैं। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।